आज जिसको हम पीस इंग्लिश कहते हैं, अंग्रेजों की अंग्रेजी, अमेरिका में तो अंग्रेजी बोली ही नहीं जाती, वो तो स्लैंग बोली जाती है, यानी वो चरवाहों की भाषा, वो जो कोई कुछ भी बोल दे तो अंग्रेजी माना जाता है। लेकिन जिसको क्वींस इंग्लिश आप बोलते हैं, आज इंग्लैंड में सबसे ज्यादा अंग्रेजी शिक्षकों की डिमांड जो है वो कहां से है? भारत से। क्यों? क्योंकि अब अंग्रेज भी जान गया है कि भारत में रहने वाले लोग अंग्रेजों से बेहतर अंग्रेजी जानते हैं। क्योंकि हम लोगों ने नेशनल ग्रामर पढ़ के अंग्रेजी पढ़ा है, हम उनकी तरफ से, अंग्रेजी हमारा मदर टंग नहीं था तो उन्होंने कभी ग्रामर पढ़ा नहीं, तो इसीलिए ग्रामेटिकल मिस्टेक हमारे हमारी भाषा में कम है, अंग्रेजी में भी, अमेरिका में है, क्योंकि अमेरिका तो एक तरह से रिफ्यूजी लोगों का देश है, ऑस्ट्रेलिया में है क्योंकि वो इंग्लैंड के कैदियों को भेजा गया वहां। लेकिन इंग्लैंड में भी आज के दिन किसी भी ग्रामर स्कूल कहते हैं, वहां पर हाई स्कूल को ग्रामर स्कूल कहते हैं, किसी भी ग्रामर स्कूल का टॉपर जो होता है वो आपको भारतीय बच्चा ही मिलेगा, अंग्रेज नहीं मिलेगा, अंग्रेज नहीं मिलेगा आपको, ढूंढने से मिलेगा। अब वहां पर एक आंदोलन चलाया अंग्रेजों ने, कहा कि अंग्रेजों के लिए अलग सेक्शन कर दिया जाए, क्योंकि अंग्रेज बच्चों को बड़ा हीन भावना है, इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स है, वो भारतीय बच्चों के साथ बैठ के पढ़ते हैं तो उनको बहुत ग्लानी का की भावना होती है, तो इसलिए उनको अलग बैठाते हैं। इसलिए कहीं हिंदी के बारे में सोचने की, हिंदी के बारे में विचार करने की बात नहीं है, बच्चों को जरूर हिंदी पढ़ाइए, और अगर गलती से आप अंग्रेजी स्कूलों में बच्चों को पढ़ा रहे हैं तो घर में तो हिंदी में ही उससे बात करिए, अंग्रेजी में कोई बात करिए मत, समाज में हिंदी का प्रचार अपने आप हो जाएगा। धन्यवाद।